नगर निगम पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सोमवार को कुख्यात बदमाश सलमान लाला के 5 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई MIG थाना क्षेत्र स्थित छोटी खजरानी क्षेत्र में की गई। प्रशासन ने एंटी माफिया अभियान के तहत यह एक्शन लिया। दरअसल कुख्यात बदमाश सलमान लाला के शहर में अलग अलग थाने में कई प्रकरण दर्ज हैं। उसने कुछ महीनों पहले MY अस्पताल में गोली कांड की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह अभी जेल में है। इधर सलमान लाला के भाई आदिल ने 16 दिसंबर को गाड़ी टकराने की मामूली बात पर बॉम्बे हॉस्पिटल के पास रहने वाले तुषार पिता राहुल सेंगर की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ये पुलिस का पॉइंट था, बेसिकली MIG थाने का पॉइंट है ये। और उनकी वरिष्ठ स्तर पर हमारे यहाँ चर्चा हुई थी, बात हुई थी कमिश्नर मैडम के से भी, उनकी उन लोगों की पुलिस की बात हुई है। कोई सलमान लाला है ये, यहाँ का एक कुख्यात गुंडा है ये, ड्रग्स माफिया शायद है उसके, और उसके परिवार के ये 5 मकान हैं यहाँ पर। उन 5 मकान पर पुलिस की चिट्ठी के आधार पर फिर हम लोग आज ये कार्रवाई कर रहे हैं। और इस पर 5 मकान में नगर निगम की किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी, किसी तरह के कोई वो नहीं, उनका नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो पुलिस के पॉइंट पर हम लोग आज सुबह ये कार्रवाई कर रहे हैं कमिश्नर मैडम के आदेश।